हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद सौबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज के टॉप करंट अफेयर से कौन से सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनके कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। असम में बाढ़ के मानचित्रण के लिए चीन, रूस और किस देश ने इसरो के साथ उपग्रह डेटा साझा किया है? तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, फ्रांस। दोस्तों आपको बता दें कि चीन के यूनान प्रांत में जब 2014 में भूकंप आया था तो उस समय भी चीन के अनुरोध पर इसरो ने कार्टोसैट के माध्यम से मानचित्रण डेटा साझा किया था। और यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि अंतरिक्ष एवं प्रमुख आपदाओं पर अंतर्राष्ट्रीय चार्टर यानी कि द इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर के लिए हस्ताक्षरकर्ता देश आपदा के समय जब कोई भी प्रॉब्लम आती है, जब बाढ़ आती है या फिर कोई भी ऐसी परेशानियां आती हैं किसी देश पर, तो वो एक दूसरे से मानचित्रण और उपग्रह डेटा से संबंधित अनुरोध कर सकते हैं कि आप हमें मानचित्रण दे दीजिए, जिससे कि जो देश है जिसमें आपदा आई हुई है वो देश उस मानचित्र की मदद से उस भूमिका को समझ पाए कि बाढ़ के क्या रीज़न है, कौन से क्षेत्रों में बाढ़ आई हुई है, इन सबको समझने में मदद मिलती है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर बग को नष्ट करने वाले एक नए ड्रग मॉलिक्यूल को विकसित करने की रणनीति बनाई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। दोस्तों आपको बता दें कि जो आईआईटी कानपुर है, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर है और लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके वैज्ञानिकों ने तेजी से विकसित हो रहे एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोध सुपर बग्स को नष्ट करने की रणनीति बना ली है। अब मॉलिक्यूल ड्रग की संरचना इस प्रकार विकसित की जाएगी जिससे कि रोग जो होते हैं रोगाणुओं के प्रसार को रोका जा सकेगा। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। अगर आपको और भी करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट www.jagranjosh.com पर जा सकते हैं। यहाँ के करंट अफेयर सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो करंट अफेयर सेक्शन में आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा। उस ड्रॉप डाउन में आप जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी हमने बताया हुआ है। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में भी हमने आपको महीने के हिसाब से दिया हुआ है। अगर और भी कैटेगरी वाइज आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो उसमें हमने कैटेगरी बनाई हुई है अपनी वेबसाइट पर, लेटेस्ट नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, इस तरह की कैटेगरी है, उसके हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप मंथ वाइज पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप ऊपर जाके देखेंगे तो जुलाई, जून, मई, अप्रैल, इस तरह से हर महीने के हिसाब से आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। भारत और चीन के बीच वार्षिक रूप से आयोजित होने वाला कौन सा सैन्य अभ्यास दिसंबर 2019 के दूसरे सप्ताह में मेघालय में 14 दिन तक चलेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हैंड इन हैंड। दोस्तों हैंड इन हैंड जो सैन्य अभ्यास है उसका यह उद्देश्य रहेगा कि दोनों जो देश हैं भारत और चीन, उनकी सेनाओं के बीच मजबूत संबंध बनाना और उन्हें बढ़ावा देना, संयुक्त अभ्यास कमांडर की क्षमता में बढ़ोतरी करना भी इस अभ्यास का लक्ष्य रहेगा, और जिससे कि दोनों जो देश हैं उनकी सैन्य टुकड़ियां कमान के अंतर्गत काम कर सकें। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि पहली बार दोनों देशों की सेनाओं के बीच में साल 2008 में बेहतर तालमेल बनाने के उद्देश्य से हैंड इन हैंड जो ये अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, इसकी शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों की एक टीम ने क्वांटम कंप्यूटर का एक सुपर फास्ट वर्जन तैयार किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों यहाँ आपको ये बता दें कि ये जो कंप्यूटर है वो सामान्य कंप्यूटर के मुकाबले 200 गुना तेज़ी से जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता रखता है। अब आपको ये भी बता दें कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए क्वांटम कंप्यूटर का जो उपयोग है वो ऐसी गणना करने के लिए किया जाता है जिससे कि सैद्धांतिक या फिर भौतिक रूप से लागू किया जा सके, और मौजूदा कंप्यूटरों के विपरीत क्वांटम कंप्यूटर अधिक जटिल गणनाओं को आसानी से हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ऑस्ट्रेलिया की किस महिला क्रिकेटर ने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट और 1000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं? इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, एलिस पेरी। दोस्तों आपको बता दें कि जो एलिस पेरी हैं उन्होंने अभी तक T20 इंटरनेशनल मैचेस की बात करें तो उन्होंने 104 मैचेस खेले हैं और इन 104 मैचेस में उन्होंने 1005 रन बनाए हैं और 103 विकेट भी लिए हुए हैं। एलिस पेरी जो हैं उन्होंने 60 T20 पारियां खेली हैं और अभी तक उन्होंने सिर्फ 3 हाफ सेंचुरी लगाई हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सातवीं आर्थिक जनगणना हाल ही में किस राज्य से आरंभ हुई?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी त्रिपुरा। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा जो 7वीं आर्थिक जनगणना है वो त्रिपुरा राज्य से आरंभ कर दी गई है। और आपको यहाँ पे ये भी बताना ज़रूरी है कि अगस्त से एवं सितंबर से जो बाकी के राज्य हैं यहाँ पर भी ये जनगणना की शुरुआत कर दी जाएगी। और ये बताया जा रहा है कि जनगणना दिसंबर 2019 तक पूरी होने की उम्मीद है। और जो इन्होंने टारगेट सेट किया है कि 2020 तक इनको ये जो आंकड़े मिलेंगे इस जनगणना के ज़रिए वो 2020 तक इसे जारी करने की संभावना है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या क्या है? इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 2967 यानी कि 2967। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कल का दिन था 29 जुलाई, और 29 जुलाई को ही इंटरनेशनल टाइगर्स डे भी मनाया जाता है। और कल ही की ये बात है जब नरेंद्र मोदी ने एक रिपोर्ट जारी करी और वहाँ पे बताया, पूरे भारत को संबोधित करते हुए बताया कि बाघों की जो संख्या है वो 2967 है। कुछ और की फैक्ट्स भी जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जो प्रधानमंत्री मोदी थे उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी और उसमें बताया कि बाघों की संख्या 2967 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य 4 साल पहले हासिल कर लिया था। और आपको दोस्तों ये बता दें कि जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 को जारी करते हुए कहा कि 3000 बाघों के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सुरक्षित ठिकाना है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाल ही में किस अफ्रीकी देश में जाने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बन गए? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बेनिन। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अभी हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद वो अफ्रीका के दौरे पर हैं, और उन्होंने 3 जो ऐसे देश हैं वहाँ पे, आपको बता दें कि अफ्रीका के जो 3 देश हैं उनकी यात्राओं के लिए वो रवाना हुए हैं, उसमें बेनिन है, नामीबिया है और गिनी है। इन तीनों देशों में भारत के किसी भी राष्ट्रपति ने पहले यात्रा नहीं करी थी। अब जो रामनाथ कोविंद हैं ये पहले ऐसे राष्ट्रपति भारत के बन गए हैं जो अफ्रीका के इन देशों में यात्राएं करेंगे। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने कार्यकाल में अब तक 23 देशों का दौरा भी किया है। दोस्तों ये था हमारा एक सेगमेंट जहाँ पर हमने आपसे कुछ सवाल पूछे, उसके कुछ फैक्ट्स भी बताए आपको। अब हमने जो पिछले वीडियो में आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब जानते हैं और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को भी समझते हैं। तो पिछले वीडियो का सवाल था, उसमें था कि हाल ही में जारी ATP टेनिस वर्ल्ड रैंकिंग यानी कि WTA में किस महिला खिलाड़ी को पहला स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए एशले बार्टी। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया है कमेंट में। दोस्तों आपको बता दें कि एशले बार्टी 1976 के बाद WTA रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुँचने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला हैं, टेनिस खिलाड़ी महिला हैं ये। और आपको ये भी बता दें कि जो दूसरे नंबर पे हैं वो जापान की नवोमी ओसाका हैं, और जो तीसरे स्थान पर हैं वो चेक रिपब्लिक की कैरोलिना प्लिस्कोवा हैं। दोस्तों अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में BSF का नया महानिदेशक चयनित किया गया? आपके ऑप्शन हैं RP सिन्हा, ऑप्शन बी JS त्रिपाठी, ऑप्शन सी VK जोहरी, ऑप्शन डी AD नागपाल। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे इस वीडियो पे कमेंट करें। अगर कोई भी आपके पास सुझाव है तो उसे भी हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक इस बात को पहुँचाएँ कि हमारा जो चैनल है वो लगातार हर रोज़ करंट अफेयर्स के वीडियोज़ करता है और साथ ही GK के बहुत सारे वीडियोज़ करता है। सरकारी नौकरी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर लगातार आते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड होते हैं उसके नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँचते रहें और आप यूँ ही देखते रहें जागरणजोश.com।